ऑप्शन दीजिएगा। और बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, ये कथन माना जाता है रामचंद्र सुखी जी का, आचार्य सुखी जी का एक कथन माना जाता है। सभी लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर चेंज किया है विकल्प नंबर सी तिलक चंद्र जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किया गया कि नंददास जो है किस काव्यधारा से संबंधित थे, नंददास बताने किस काव्यधारा से संबंधित थे, संत काव्यधारा या फिर सूफी काव्यधारा या फिर कृष्ण काव्यधारा या फिर राम भक्ति काव्यधारा। क्वेश्चन नंबर 51 का सभी लोग सही आंसर चेक करेंगे बताइए। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि जो नंददास है से संबंधित है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर का कृष्ण काव्यधारा सभी लोगों ने सही आंसर चेक किया है। और इन्हें जो जलिया कवि कहा जाता है इनके लिए नंददास के लिए और कभी जलिया नंददास जलिया तो इनको जो जलिया कवि कहा जाता है नंददास जी को कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, वहाँ का क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया कि इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है, सही आपके लिए बताना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या फिर राजपंचाई बताइए। नारायण जी क्या होगा सही राइट आंसर कमला जी, सूर्य की रचना नहीं बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर और बाउन का सभी का सही राइट आंसर है कि सूर्य की रचना कौन सी नहीं है, तो राजपंचाई आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। ये सूरदास जी की रचना नहीं है, सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचनाएँ मानी जाती है और राजपंचाध्याय रचना की बात करें तो नंददास जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर प्रेरण पूछा क्या है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, कौन सा कृष्ण भक्त कवि नहीं है बताइए। क्या होगा सही आंसर, सूरदास, रसकान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास। हाँ सरिता जी तो आप सभी का सही राइट आंसर है कृष्ण भक्त कवि नहीं पूछा आपसे, तो आपका सही राइट आंसर होगा कि तुलसीदास। तुलसीदास जो है एक कृष्ण भक्त कवि नहीं माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चेंज किया है। तुलसीदास जी माने जाते हैं राम भक्ति साहिता के प्रमुख कवि माने जाते हैं और जो सूरदास है कृष्णदास है और रसकान कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जमकर पूछा गया है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक बताना है कौन माने जाते हैं बताइएगा। गौड़ीय संप्रदाय जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं हरिदास निरंजनी, लालदास, हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु। चमन का सही आंसर क्या होगा बताइए। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछा क्या है और यहाँ पर आपका सही राइट आंसर आया है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया विकल्प नंबर आपके यहाँ पर भी राइट आंसर होगा भी आने की चैतन्य महाप्रभु आपका सही आंसर है। चैतन्य महाप्रभु जो है रविंद्र जी गुरुदेव जी ये गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और हरिवंश।